तो गाइज आज के वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं स्ट्राटा ड्रैगून एमएस को। तो यार अगर आपको इस ब्लेडर के बारे में नहीं मालूम, जो कि बड़ी ताजुब की बात है, पर फिर भी मैं बता देता हूं, इस ब्लेडर का नाम है डाइची जो इस बेब्लेड को यूज करता है। ये ब्लेडर बेसिकली बेब्लेड वी फोर्स के एक मूवी में उसने डेब्यू किया था। मूवी का नाम था फियर्स बैटल, और अगर आपने मूवी नहीं देखी तो आपके हिसाब से उसने जी रेवोल्यूशन के एनीमे में अपना डेब्यू किया है। तो ये बंदा स्ट्राटा ड्रैगून, इसका जो बिटबीस्ट है ये बंदे का, वो बेसिकली एक दूसरा ड्रैगून है जो ओरिजिनल ड्रैगून से थोड़ा सा डिफरेंट है। पर हाँ, अभी हमारे पास एक और ड्रैगून आ जाता है। तो यार ये बेब्लेड ड्रैगून जैसे लेफ्ट रोटेशन नहीं है, पर स्पेशली एचएमएस के बारे में अगर आपको मालूम होगा तो सारे एचएमएस लेफ्ट और राइट दोनों रोटेट करते हैं। तो स्ट्राटा ड्रैगून एमएस, वैसे आपको एक खास बात बताता हूं, एनीमे में डाइची एक्चुअली स्ट्राटा ड्रैगून एमएस को कभी भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया था। अगर आपने फाइनल बैटल भी देखा होगा तो उसमें भी यार वो बहुत ही बुरी तरीके से लॉन्च करता है, मतलब वो लड़खड़ा जाता है वहां पे, और फिर स्पेशल मूव के टाइम पे भी वो थोड़ा सा उसका पावर आउटपुट कम हो जाता है। तो यार स्ट्राटा ड्रैगून रियल लाइफ में बहुत ही जबरदस्त बेब्लेड है। यहां पे आप देख सकते हो बेब्लेड के पार्ट्स है, और ये बेब्लेड थोड़ा सा एडवांस्ड एवरेजर जैसे आपको लगेगा, जो मैंने पहले एक बार अनबॉक्स किया था। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो है तो डेफिनेटली वो वीडियो भी देखो, मस्त है वीडियो। तो उसमें बेसिकली एक पार्ट है वो सेम टू सेम स्ट्राटा ड्रैगून जैसा ही है। तो यार हम एक बार बेब्लेड को चेक करते हैं। यहां पे हमें रिपकॉर्ड मिलता है, सब कुछ मिलता है, बहुत ही बेंट। और ये देखिए यार, ये एक एचएमएस का बहुत ही क्या बोल सकते हैं बेसिक प्रॉब्लम है कि ये जो रिपकॉर्ड होती है वो जैसे उनका बॉक्सिंग है उसकी वजह से वो यार टूट जाती है। तो कोई बात नहीं यार, हमारे पास लॉन्चर्स की कमी तो है नहीं यार, तो हम डेफिनेटली दूसरा लॉन्चर कहां से तो ले लेंगे और रिपकॉर्ड उसमें लगा के बेब्लेड लॉन्च कर लेंगे, तो उसमें कोई बात नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं। यार लॉन्चर मस्त है यार, ग्रे कलर का अच्छा है कलर। और फिर यहाँ पे ये स्टिकर शीट है जो कि टेप से अटैच थे यहाँ पे, तो इसको हम एक बार निकाल लेते हैं। तो गाइज ये है स्टिकर शीट, और यहाँ पे है हमारा बेब्लेड। तो इस केस को यार, ये जो केस में बेब्लेड आते हैं ना, कसम से जबरदस्त लगते हैं। तो यार यहाँ पे ये यह हमारा टॉप पार्ट है जिसपे ये एक स्टिकर लगा हुआ है जो हम निकाल लेते हैं। अरे रे, ये स्टिकर तो थोड़ा सा रेसिड्यू भी छोड़ रहा है, तो यार इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा हमें, कोई बात नहीं। इतना कठिन? हाँ, तो यार जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा सा वो रेसिड्यू छोड़ गया है, पर कोई बात नहीं, उस पर एक्चुअली मेन स्टिकर आएंगे तो सेटिंग तो ठीक ही होगी। तो यार ये हमारा ऊपर का प्लास्टिक पार्ट है, ये मेटल सॉसर है बेसिकली उसका अटैक कोर या अटैक रिंग, जो भी आप बोलना चाहो उसको। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा लूज फिट डिजाइन है, यहां पे इसका आरसी कोर है, ये फ्लैट कोर है, फोकस दे दे, हाँ फ्लैट कोर है। और ये है इसका डिस्क, बहुत ही छोटा सा डिस्क है यार, बहुत छोटा डिस्क है। और फाइनली इसका बिट प्रोटेक्टर। तो यार गाइज चलो मैं एक बार स्टिकर लगा के फिर वापस आता हूं, और फिर हम बेब्लेड के असेंबली की ओर बढ़ते हैं। तो बस आया मैं एक सेकेंड में। तो गाइज जैसे कि मैंने कहा, स्टिकर्स लगा के स्ट्राटा ड्रैगून रेडी है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे असेंबली की ओर। तो यार सबसे पहले तो हम हमारे प्लास्टिक कोर को लेंगे, और इसको जो ये हमारे गियर टाइप मेटल डिस्क है उसके ऊपर डालेंगे। फिर हमारा आरसी कोर है जिसके ऊपर हम ये मेटल डिस्क डालेंगे, काफी छोटा सा मेटल डिस्क है यार, बहुत छोटा है इसको, हाँ नहीं इसको ऐसे ही डालते बराबर। और फिर उसके बाद इसके ऊपर हमारा मेन कोर डालेंगे जो हमारा इसको क्या बोलते हैं अटैक रिंग है, और फिर उसके बाद बिट प्रोटेक्टर, एंड फाइनली हमारे लॉन्चर कम टूल को लेके असेंबल कर लेंगे। तो यार ये तो बहुत ही लूज है, तो मतलब ये बेसिकली पूरा का पूरा रैटल कर रहा है, आप जैसे देख सकते हो। तो यार स्ट्राटा ड्रैगून ऐसे ही होता है, स्ट्राटा ड्रैगून में आप कोई ऑप्शन नहीं होता, स्ट्राटा ड्रैगून बने ही ऐसे है, तो ये ऐसे ऐसे हिलते ही रहेगा। तो यार कोई बात नहीं, हम चलो लॉन्चर वगैरह लेते हैं और एक टेस्ट स्पिन करते हैं मस्त वाला। तो यार कोई कैमरा में तो नहीं आ रहा मैं, क्या मालूम। तो यार यस बेब्लेड लॉन्चर, नहीं ये घटिया स्टेडियम है, इसको नहीं लेंगे।
हमारे बॉस वाले स्टेडियम को लेते हैं और करते हैं लॉन्चर को लोड. 3, 2. ओ भाई लग जा, क्या है ये? वन हो जाए. वाह ये क्या था? ये तो लगा ही नहीं यार. एक सेकेंड, वह ये क्या बात हुई? सही सही तो लगाया मैंने. एक सेकेंड यार, दूसरा लॉन्चर टेस्ट करते हैं, कहीं ये लॉन्चर भी बकवास नहीं है, क्या मालूम. तो यार हमारे पास HMS का और एक लॉन्चर है, कोई बात नहीं, तीन चार लॉन्चर है हमारे पास. 3, 2, 1 हो जाए शुरू. हाँ वो लॉन्चर बकवास है. तो जैसे कि आप देख सकते हो, स्टार्टर ट्रैगून एक अटैक टाइप बेब्लेड है. तो ये हम इसके बाद बैटल वैटल करेंगे यार, क्योंकि स्टार्टर ट्रैगून अच्छा बेब्लेड है और ओवरऑल ये मजा देगा बैटल्स में भी. और काफी ओवरऑल एकदम एक्सपेंसिव नहीं है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं बैटल में. और तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर गाइज एंड बाय बाय.